लालू यादव की जमानत हो सकती है रद्द। दरअसल जमानत की बात पर सीबीआई ने दे दी है चुनौती और अब उस चुनौती को स्वीकार कर लिया गया है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चारा घोटाला में दोषी करार दिए गए आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को दो मामलों में जो जमानत मिली थी उसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल्द ही उस मामले में सुनवाई की जाएगी। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत कर रिहा करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लालू यादव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। बता दें कि लालू को झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में जमानत पर रिहा करने को कहा है, लेकिन चारा घोटाला के एक अन्य मामले में दोषी करार दिए जाने के चलते लालू फिलहाल जेल में है। आपको बता दें कि सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने लालू यादव की बेल अर्जी के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तर्क रखते हुए कहा कि जिस आधार पर लालू यादव को बेल दी गई है वो गलत है क्योंकि लालू ने ज्यादा दिन जेल में नहीं बिताया है। जबकि हाई कोर्ट का कहना है कि लालू पहले ही सजा का आधा समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि झारखंड सरकार की ओर से दायर अर्जी में राज्य के उच्च न्यायालय की ओर से दुमका राजकोष मामले में 17 अप्रैल 2021 को दी जमानत को चुनौती दी गई थी। वहीं चाईबासा राजकोषीय मामले में भी 9 सितंबर 2020 को लालू यादव को बेल दी गई थी। उस मामले में भी याचिका दायर की गई थी जिस पर अदालत ने सुनवाई का फैसला लिया है। अब इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो 4 हफ्ते बाद आना है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लालू यादव की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।